असल वरहल वबरक अलहमदिल्ह क़फ वसाम इबाद लदीनफ़फ़ा अम आबाद मोहरम न नाजरीन के राम आसान दरस कुरान के अंदर छब्बीसवें पारे का पंद्रहवाँ रुकू है जिसके अंदर सुरकाफ़ सुर नंबर पचास की शुरू की पंद्रह आयतें हैं औरतानी बसमिल्लर क़ाफ वक़रमजीद क़ाफ क़ुरान मजीद की कसम क़ाफ ये हरूफ मुकत्त में से है इसका माना और मफूम अल्लाह ही को बेहतर मालूम है बलाज वंजा फ़काल शय नाजीब बल्कि इंकार करने वाले तजुब करते हैं कि उन्हीं में से एक डराने वाला उनके पास आया तो काफिरों ने कहा यह तो बड़ी अजीब बात है आयजा मितना वकुन् तो राबा गालजुम बाईद काफिरों ने कहा क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे उसके बाद दोबारा जिंदा होना हमारी समझ से दूर की बात है हमें यह बात समझ में नहीं आ रही है कदलिम नामातन कसुल अर जुमिल हुआ इन दा किताब हफीज़ इंसानों के जिस्मों में से ज़मीन खाकर जो कुछ घटाती है हमें उसका पूरा इल्म है इसलिए दोबारा जिंदा करना और ज्यादा आसान है और यह सब हमारे पास एक किताब लौह महफूज में मौजूद है बलका बिलहक लम्मा जहां फी अमरी मरीज बल्कि जब हक कुरान उन काफिरों के पास आया तो उन्होंने उसे झटला दिया तो ये लोग एक उलझी हुई बात में पड़ गए अफ़लमियन जरूसम हा वजन्ना फरूज क्या हक का इनकार करने वालों ने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा कि हमने किस तरह बनाया और उसे खूबसूरत बनाया है और उस आसमान में कोई शिकाफ़ सुराख भी नहीं है वल अर्ज मदना है वालक़ीनाफी हा रवासी वमबतनाफी हा मिनकुल्ल जोजम बहीज और हमने ज़मीन को फैला दिया है और उसमें पहाड़ गार दिए और हमने ज़मीन में हर किस्म की अच्छी चीज़ें उगा दी हैं तब सरतों वजिक्रलकुल्लाबदि मुनीब आसमान ज़मीन पहाड़ वगैरह हक की तरफ रुजू करने वाले हर बंदे को दिखाने और याद दिलाने के लिए है या इसका दूसरा तर्जुमा यह है ये सब चीज़ें नसीहत और सबक हासिल करने का बेहतरीन सामान है व नजल्ला बतना भी जन्नाती वहबल हसीद और हमने आसमान से बरकत वाला पानी बरसाया जिसके जरिए हमने बागात और काटी जाने वाली खेती के दाने उगाए वन नख़लबासातिल्ला तजीद और खजूर के लंबे लंबे दरख्त उगाए जिनके खोशे गाभे तहबता एक दूसरे के ऊपर फलों से लदे होते हैं रिश्लिबाद बाद ये भी बल दतमई ताकाल खरूज यह बंदों के लिए रोजी है और बारिश के पानी के जरिए हम मुर्दा शहर यानी ज़मीन को जिंदा कर देते हैं मुर्दों का जिंदा होकर कबरों से निकलना इसी तरह होगा कर्ज कबल हम कौम नो वाबी व वा समूद कुफ़ार मक् से पहले नू अ की कौम और कुएं वाले असहाब उखदूद और साले सलात वाम की कौम सम ने भी आखिरत को झुटलाया था वह आदम व फिर वलूत और हदलात सलाम की कौम आद और फ़िरौनलूसलात सलाम के भाइयों ने भी जुटलाया था वासम तब्बा कुल्लक रसुलफ का वायद और एकका बस्ती वाले शुयब सलाम की कौम और कौम तुब्बा कौम सबा ने जुटलाया था हर एक ने अपने रसूल को झुटलाया तो मेरा अजाब का वादा पूरा हो गया अफ आई ना बिलखल़िल बलहुम फिलफसमिन खल्कन जदीद क्या हम इंसानों को पहली बार पैदा करने से थक गए थे नहीं लेकिन ये लोग नई पैदाइश दोबारा पैदा करने के बारे में धोखे में है नाजर निकराम आसान दरस कुरान के अंदर छब्बीसवें पारे का पंद्रहवं रुकू है जिसके अंदर काफ़ सुरज नंबर पचास की शुरू की पंद्रह आयते हैं काफ़ सूरज नंबर पचास तरतीब केबार से थर्टी फोर काफ इसका जिक्र आयत नंबर एक में है काफ़ यह मक्की सूरह है हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है इसके अंदर पैंतालीस आयतें हैं और तीन रुकू हैं सूरह काफ़ की फजीलत नबी वसम जुमे के खुतबे में सूरह काफ़ पढ़ा करते थे उम्मिशाम बिन तिहारसा बिन नोमान कहती हैं सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर एट सेवन थ्री कि मैंने वसल्लम से सूरह जुमा सुना और मैंने याद कर लिया जब नबी सल्लल्लाहु वसल्लम लोगों को खिताब करते खुतबा देते ख़तनासद की नमाज में भी नबी अलैहि वसल्लम पहली रकत में काफ़ और दूसरी रकद में सुरय कमर पढ़ा करते थे सही मुसलम किताबो सलादिन हदीस नंबर एट नाइन वन सुर काफ का खुलासा सुर काफ के शुरू में अल्लाह ने कुरान की कसम खाई है अल्लाह अपनी मखलूक में से जिसकी भी चाहे कसम खा ले मगर मखलूक सिर्फ़ अल्लाह की कसम खाए उसके बाद काफिरों की बात है कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाना तज्जुब की बात है वो लोग कहते हैं उसके बाद है कि अल्लाह ने लोगों को आसमान और ज़मीन पर गौर करने को कहा है उसके बाद है कि बारिश के ज़रिए खजूर के ऊँचे ऊँचे दरख्त उगाता है कल क्यामत के दिन मुर्दे को जिंदा करेगा उसके बाद नू अ सलासलम ये कौम कुएँ वाले कौम सम आद फ़ और फ़ फ़ लूत का ज़िक्र है उसके बाद है कि हम इंसान के शहर अक से भी ज़्यादा करीब हैं उसके बाद किरामन कातबीन के बारे में इंसान के दोनों तरफ़ फ़रिश्ते मौजूद हैं जो सब कुछ लिखते हैं उसके बाद मौत की सख्ती का जिक्र है उसके बाद क्यामत का मंजर है उसके बाद सुर पूके जाने का जिक्र है उसके बाद है अल्लाह जहन्नम से कहेगा तो भर गई तो वो कहेगी और है क्या उसके बाद आसमान वमीन उसको अल्लाह ने छः दिनों में पैदा किया उसका जिक्र है उसके बाद है कि कल कि आमत की आमद के दिन ज़मीन फट जाएगी लोग बाहर निकल आएंगे उसके बाद अख़ीर में है कि आप सलाम किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हैं आपका काम कुरान के जरिए नसीहत करना है कि सुरह के अंदर पैदाइश के बारे में उठने के बारे में ठहरने के बारे में फिर इसी तरह वाब के बारे में एकाब के बारे में जन्नत के बारे में जहन्म के बारे में तरगीब के बारे में तरहीब के बारे में जिक्र है अल्लाह ने कुर करीम की कसम खाई और कहा तुम लोग ज़रूर उठाए जाओगे आयत नंबर एक में है काफिरों ने कहा ज़्यादा रजुम बद अरे दोबारा उठाए जाना ये तो दूर की बात लगती है अकल में आने वाली बात नहीं है फिर आगे अल्लाह ने आसमान का जिक्र किया कहा देखो बगैर सुतून के ये खड़ा हुआ है वमा लहा मिन फरूज इसके अंदर कोई सुराख नहीं है आदमी को चाहिए कि गौर फिक्र करे फिर अल्लाह ताला ने जो पैदा किया उसके अंदर किसी तरीके से कोई कमी नहीं है अल्लाह ने ज़मीन को बिछा दिया है पहाड़ को उसके अंदर डाल दिया है तब सरत विक्रिक्लानीब हर रुझू करने वाले बंदे के लिए इसके अंदर नसीहत है अवाब रजू करने वाले बंदे आसमान ज़मीन की पैदाइश पर ग़ौर फिक्र करने वाले अल्लाह ने कायनत के अंदर जो चीज़ें रखी उसमें गौर फिक्र करने वाले उन लोगों के लिए नसीहत है फिर आगे का हब्बल हसीद बारिश नाजिल करता है और कटी वाले खेते के गल्ले पैदा किया कटने वाली खेती का गला अल्लाह ने पैदा किया खेती कटती है इसका मतलब क्या है वो खेतियाँ जिससे गंदुम है गेहूँ है मकई है जवार है बाजरा है दाल है चावल वगैरह है उसका जिक्र है फिर आगे खजूर का जिक्र किया खजूर का खास तौर पर इसलिए जिक्र किया वन नखल बासात क्योंकि अरबों के यहाँ खजूर मशहूर है आगे का वहना भी बबलदतम्मई ताकदा लिकल खरूज मुर्दा ज़मीन को हम बारिश के जरिए जिंदा करते हैं इसी तरीके से कल क़ियामत के दिन उठना है उसके बाद अल्लाह ताला ने सात कौमों का जिक्र किया आयत नंबर बारह से चौदह के दरमियान जिन लोगों ने झुटला दिया था क्यामत को नूअल वसलाम की कौम है इसी तरह असाबुलुखदूद रस वाले फिर इसी तरह कौम समूत कौम आद लूत सलासलम की कौम आया व शयबल वसलम की कौम तुब्बा कौम सबा उन लोगों का जिक्र है कुल्लू उनका तबरसल क़ाद ये सब ने रसूलों को झुटलाया तो हमारा आज़ाब साबित हो गया फिर आगे कहा नबी वसल्लम को तसली दी जा रही है आप घबराए नहीं कौमों को भी डराया जा रहा है मक्ा वालों को कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा अफ आइना बबिलखल अल्वल बल हूँ फिलफसम ख़ल़न जदीद क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गए थे जब हमने पहली मरतबा पैदा किया था तो ये ज़्यादा मुश्किल काम था तो हम तो थके नहीं तो दोबारा पैदा करना मुश्किल कैसे है पहली मरतबा पैदा करना ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए था लेकिन दूसरी मरतबा पैदा करना बहुत आसान है वह वल्ल अब्दुलखल का समय सुरुम सुरह नंबर तीस आयत नंबर सत्ताईस वही अल्लाह जिसने पहली मरतब पैदा किया दोबारा पैदा करेगा दोबारा पैदा करना बहुत आसान है इसलिए यह कहना कि मिट्टी में मिल जाएंगे सड़गल जाएंगे कैसे पैदा होंगे ये सही नहीं है तो आज के दर से बस इतना ही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोग कुरान करीम को पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तोफ़ी दामीन वसलमकुमी वबरक